कही अनकही बातें शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। आपने अभी तक बहुत से डरावनी जगहों के बारे में तो सुना होगा, पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी ऐसे बहुत से हॉन्टेड प्लेसेस हैं जो शायद ही आपने सुने होंगे। मैं आज आपको दिल्ली के टॉप 5 खतरनाक और भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है खूनी दरवाजा। दिल्ली का खूनी दरवाजा अब खंडर में बदल चुका है। ये दरवाजा बहादुर शाह जफर मार्ग पर बना हुआ है। कहा जाता है कि इस खूनी दरवाजे पर भूतों का साया है। ये दिल्ली के 13 हिस्टोरिकल दरवाजों में से एक है। इस किले का निर्माण मुगल काल के दौरान करवाया गया था। इस लाल दरवाजे से एक खूनी दास्ता जुड़ी है। ये दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के तीनों बेटों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। माना जाता है कि आज भी उन तीनों की आत्मा इस लाल खूनी दरवाजे के आसपास भटकती रहती है। नंबर 4 पर है दिल्ली कैंट। दिल्ली कैंट की स्थापना अंग्रेजों की इंडियन आर्मी ने की थी। ये पूरा इलाका एक छोटे से जंगल की तरह दिखाई देता है, जिसमें चारों तरफ हरे भरे पेड़ है। कहा जाता है कि दिल्ली कैंट में सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत लोगों से लिफ्ट मांगती है। अगर आप आगे निकल जाते हैं तो वह औरत कार की जितनी तेज रफ्तार से कार का पीछा करती है। बहुत से लोगों ने उस औरत को देखे जाने की पुष्टि भी की है। हालांकि आज तक किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोई खबर नहीं मिली है। लोगों का मानना है कि शायद ये आत्मा किसी यात्री की है जो यहाँ भटक रही है और आते जाते लोगों से लिफ्ट मांगती है। नंबर 3 पर है खूनी नदी रोहिणी। रोहिणी के कम शोरगुल वाले इस इलाके में कम ही लोग आते जाते हैं। नदी के पास कोई नहीं जाता है। इसका कारण है नदी में बहती लाश, हत्या, आत्महत्या और दुर्घटना। कारण जो भी हो, इस नदी के किनारे लाश मिलना आम बात हो गई है। बहुत से लोगों ने ये भी अनुभव किया है कि ये नदी अपनी ओर लोगों को खींचती है, चाहे वो इंसान किसी गाड़ी में हो या पैदल जा रहा हो। नंबर 2 पर है अगरसेन की बावली। अगरसेन की बावली एक प्राचीन संरचना है जो दिल्ली के केंद्र में स्थित है। 104 सीढ़ियां कुएं तक ले जाती है, जिसने कई सालों तक दिल्ली के निवासियों के लिए जल स्रोत के रूप में काम किया। अब खाली अगरसेन की बावली को राक्षसों, शैतानों और विशेष रूप से भूतों का घर कहा जाता है। हालांकि कुएं से रिलेटेड सबसे फेमस स्टोरी ब्लैक वाटर की है। ऐसा बताया जाता है कि इस बुरे पानी को कई लोगों ने कुएं की महान ऊंचाइयों से कूदकर अपनी मौत के लिए आकर्षित किया। हालांकि यह पानी अब सूख चुका है, लेकिन जिन लोगों ने यह दावा किया था उनकी आत्माएं अभी भी कुएं में डूबी हुई है। सभी अनंत काल के लिए यहाँ फंसे हुए हैं। बहुत से लोग अगरसेन की बावली को लेकर काफ़ी अंधविश्वासी हो गए हैं। उनका मानना है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ बुरी आत्माएं घूमती है। और नंबर 1 पर है सबसे खतरनाक जगह जहाँ मैं भी जाना चाहूँगी, भूली भटियारी महल। दिल्ली के करोल बाग में स्थित ये भूता जगह आज से नहीं बल्कि कई सालों से यहाँ पर स्थित है। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में ये जगह और भी ज़्यादा डरावनी हो जाती है, इसलिए यहाँ दूर दूर तक कोई भी भटकता नहीं है। यहाँ पर लोगों को सावधान करने के लिए एक बोर्ड भी लगाया गया है, जहाँ साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि सूर्यास्त के बाद इस जगह जाना मना है, लोग यहाँ ना जाए। इसलिए दिल्ली पुलिस इस महल की तरफ जाने वाले रोड पर बैरिकेड्स लगाती है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है वहाँ किसी बुरी शक्ति का वास है, और इसी बुरी शक्ति के कारण कोई भी गार्ड यहाँ रात भर से ज़्यादा टिक नहीं पाता और अगले ही दिन यहाँ से गायब हो जाता है। तो कैसी लगी आपको ये डरावनी जगह? अगर आप यहाँ पे गए हैं या जाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी कई अनकही बातें जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ कहीं अनकही बातें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।